हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बाबा रामदेव जो पहुँचे हैं पायलट बाबा धाम पर और उनके कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहा है, आइए उनका संपूर्ण भाषण आपको सुनाते हैं। अरे हमारी जय बोलोगे, बाबा की जय बोलोगे। महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम से बना ये जिला ऐतिहासिक है और इस जिले में पूज्य बाबा जी का जन्म होना ये भी कोई भगवान का अनुग्रह है। देखो, आज से 30 साल पहले जब हमको जमाना नहीं जानता था उस समय भी पायलट बाबा महायोगी के तौर पर जाने जाते थे और मात्र कोई नाम की बात नहीं है, बाबा जी ने जो काम किया है और बाबा जी का जो पवित्र जीवन रहा है वह रोहिताश्व से लेकर के रोहितास जिले से लेकर के बिहार से लेकर के हमारे पूरे भारत के गौरव है पायलट बाबा जी। तो जोरदार अभिनंदन है ऐसे महापुरुष का, ऐसे महापुरुष की ये जन्मभूमि है और आज यहाँ ये सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण और इसमें सतप्रभु जी धरा एस कम हियर सतप्रभु जी कम हियर इस मंदिर के निर्माण में सतप्रभु का जो रसिया से है बहुत बड़ा सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये पूज्य बाबा जी के ऐसे 100 से ज्यादा देशों से यहाँ पर शिष्य आए हुए हैं, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो एक बार सतप्रभु जिसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया इस काम के लिए, पूज्य बाबा के पास ऐसे बहुत शिष्य हैं और विनम्र भाव से सेवा देते हैं बहुत श्रद्धा भक्ति से कि बाबा का आदेश हमारे लिए भगवान का आदेश है। ऐसे सतप्रभु जी के लिए और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ये बाबा जी के ऐसे जो अनाम शिष्य हैं, कोई नाम की चाह नहीं, अकाम निष्काम। हमारी पूज्य योग माता केको आई बाबा जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने पूज्य बाबा जी का नाम यश कीर्ति सारी दुनिया में फैलाई है और आज इस देश में जब भोग विलासिता विभ्रांतिया पतन चारों ओर छाया हुआ है, जैसे कि हमारे श्रद्धे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी ने कहा, पूरी दुनिया अब योग का ही अनुसरण करेगी, योग के मार्ग पर ही चलेगी। अब बाबा रहने दो इनको, ज्यादा ऊंचा नीचा मत करो, अब रहने दो, कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया, बैठो बाबा। इन बाबाओं की भी ताकत बहुत जोरदार है। तो सुनो, चारों तरफ इस भोगवाद में फंसी दुनिया को किसी से रास्ता मिलेगा तो भारत के योग से अध्यात्म विद्या से मिलेगा। जिस तरह से चारों ओर लोगों को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, शहरों में लोग मुटिया गए हैं, मोटे हो गए हैं, कोई दुबले पतले रह गए, किसी का लीवर किडनी हार्ट फेलियर है, किसी को SLEMS ऑटोमेन डिजीज कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये तो तन के रोग है, मन की अशांति से दुनिया पीड़ित है, परेशान है, अशांत है। सारी दुनिया को जैसे पूज्य मुनि जी ने कहा, शांति का कहीं से रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा तो भारत है और उस भारत के योगियों की श्रृंखला में बहुत बड़ा नाम महायोगी पायलट बाबा जी का। एक बार फिर से इस महापुरुष को वंदन है जिनकी जन्मभूमि है ये और जिन्होंने ऐसा काम किया है। जैसे कि मैंने तो हमेशा गीत गाए हैं, जब ही सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसा काम किया बाबा जी और ऐसा पूरा दिव्य भव्य वातावरण जब हम हेलीकॉप्टर से देख रहे थे तो पूरा एक दर्शनीय स्थल, एक महातीर्थ बना दिया बाबा जी ने यहाँ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ आकर के लोग योग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, अपने अस्तित्व की खोज करेंगे
और अपने व्यक्तित्व को निभारेंगे, उभारेंगे, तो कितना बड़ा सौभाग्य मुझे बाबा जी ने दिया है। और सैकड़ों देशों के लोग यहाँ पर आकर के इस मिट्टी को स्पर्श करके अपने आप को धन्य अनुभव करेंगे। ये जो सैकड़ों देशों से यहाँ पर लोग आए हुए, योगी साधक आए हुए, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। सैकड़ों देशों से यहाँ पर पूज्य बाबा जी से प्रेम करने वाले कितने महापुरुष यहाँ पर एक साथ विराजमान है। ये पूरा का पूरा अनुष्ठान हम इसमें अंत तक सम्मिलित होते पूज्य श्रद्धे आचार्य महामंडलेश्वर जी अवधेशानंद जी गिरिजी महाराज जी ने जैसे कहा कि हमको प्रस्थान करना, हमारा तो आज यहाँ और कोई काम ही नहीं था, पूज्य बाबा जी का दर्शन करना, उनकी पुण्य भूमि की माटी को अपने माथे से लगाना। और पूज्य बाबा जी ने जो पूरे समाज को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है उसको कृतज्ञता पूर्वक नमन और प्रणाम करना, उसके लिए आज हम यहाँ आए और आप सब भी उसी के लिए आए हैं। आज के इस ऐतिहासिक शानदार और यादगार अवसर के लिए अभी तो मनोज भाई के बहुत सारे यहाँ पर भजन भी होंगे, कविताएं भी होंगी, मनोज के लिए भी धरती का बहुत बड़ा हमारा यशस्वी वो लाल है और उस पर गौरव है पूरे बिहार को और हमारा तो उसी से भी है तो उसको बहुत प्यार है हमारा। तो खैर आज बस ये अंतिम बात कह करके कि संसार में कई लोग जब मुझसे मिलते हैं बोले बाबा जी अब ये तो गजवाए हिंद वाले कह रहे हैं कि शर्तन से जुदा वाले कि तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा, अब उसको हम मिट्टी में खाक में मिला डालेंगे, कहा होगा। मैंने कहा भाई इसमें क्या बात है, अब ये गजवाए हिंद चलने वाला नहीं है, अब ये सिर तन से जुदा इसलिए नहीं चलने वाला, इनको संभालने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह ही बहुत है। अब ना यहाँ गजवाए हिंद चलेगा, ना यहाँ सिर तन से जुदा चलेगा, अब तो पूरी दुनिया में योग का जादू चलेगा, पूरी दुनिया योग करेगा। पूज्य बाबा जी कह रहे थे हमारे कि अभी पूरी दुनिया में लोग धीरे धीरे योग की ओर आ रहे, आज मैं इस बात को इस मन से कह रहा हूँ, आने वाले मात्र 10-15 सालों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी योग के मार्ग पर चलेगी। यह है सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा, यह है सनातन धर्म का विश्व गौरव। और क्यों नहीं होगा, सारी दुनिया को रास्ता कहां से मिलेगा, इसलिए ये पूरी दुनिया जिस रिलीजियस टेररिज्म मजहबी आतंकवाद, जिस राजनीतिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, मजहबी उन्माद और तरह तरह के मेडिकल टेररिज्म और अलग अलग प्रकार के उन्माद प्रमाद से जो दौर से गुजर रही है, यह अध्यात्मवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मार्ग पर पूरी दुनिया चलेगी, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और इसको विश्व गुरु बनाने में एक बड़ी भूमिका हमारे पूज्य पायलट बाबा की भी है। तो एक बार बहुत बहुत प्रणाम है, आप सब मिलकर के आज संकल्प लेकर के जाओ, खाली यहाँ आकर के और देवी देवताओं के मूर्ति प्रतिमाओं के दर्शन कर लिए इतना ही नहीं, ये हाथी और शेर जो दिख रहे हैं ना इधर, तो एक संकल्प लेके जाओ हमें हाथी जैसा बल, शेर जैसी स्फूर्ति पानी है, शिव जैसी समाधि पानी है, कल से किसी ने योग नहीं किया तो पाप लगेगा तुमको, इसलिए सबको क्या करना है, योग करना है, क्या करना बोलो, जो योग नहीं करेगा उसको क्या लगेगा बोलो, योग ही हमारा मूल धर्म है, योग धर्म है, ऋषि धर्म है, यही वेद धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, इसलिए कल से योग करना और स्वदेशी का उपयोग करना, जैसे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी ने कहा कि देश आज भी आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, कई प्रकार की शिक्षा चिकित्सा की गुलामियों के कुंठाओं के दौर से गुजर रहा है, और आज आपको योग का संकल्प लेकर के, स्वदेशी का संकल्प लेकर के, भारत माता की आराधना का, भारत माता की पूजा का संकल्प लेकर के यहाँ से प्रस्थान करना है। जाने से पहले हमारे पूज्य कैलाशानंद जी महाराज जी हैं और भी बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर इस मंच पर हैं, उनके आशीष आपको पाने हैं और जिनको आगे जगह नहीं मिली है, महाराज जी आप आसन छोड़ो तो ये हमारे जो महाप्रभु जी पीछे बैठे हैं, हमारी बेटी श्रद्धा जी, चेतना जी, जो हमारी आचार्य महामंडलेश्वर है, ये भी महामंडलेश्वर, आगे आओ आप, हे महाराज जी, बाबा जी आप खड़े हो पीछे, दूसरों को जगह दो, अपने को प्रसन्न करना, मुनि जी आप भी खड़े हो और आप आगे भी राजो,
ये श्रद्धा और जो है चेतना इन बेटियों के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। बाबा जी की बहुत सेवा करती है, हमारी बहुत प्यारी बेटियां। और एक बार अब मनोज जी यहाँ कारोबार संभालेंगे, हम बाबा जी को प्रणाम करके यहाँ से प्रस्थान करें।